हेलो ऑन आ रही है आवाज मेरी। हेलो हेलो ऑन हेलो नमस्कार, मैं गुजरात जूनागढ़ से किरण सोलंकी। थैंक यू सो मच अमूल एंड थैंक यू सो मच सुपर स्टार क्वीन के एडमिन गीता मैम, जिन्होंने मुझे ये अमूल में लाइव करने का मौका दिया है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैप्सिकम स्वीट कॉर्न रबड़ी। तो उनके लिए क्या क्या चाहिए और कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले गैस चालू रखेंगे। अब पैन में अमूल घी डालूंगी मैं। ये अमूल का ही घी है, काऊ घी जो आता है ना। अब जैसे ही ये घी गरम हो गया है तो हम उसमें कैप्सिकम डालेंगे। 1 बाउल लिया है मैंने। अब कैप्सिकम को ये सोते करूंगी मैं। हेलो पुष्पेंद्र जी। हेलो गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम स्लो से करेंगे। जैसे ही ये कैप्सिकम सोते हो जाते हैं फिर हम ये कॉर्न लिया है, स्वीट कॉर्न, जिसे मैंने बॉईल करके ऐसे करके रखा है। अब ये डालेंगे। अब उसको भी ये सोते करेंगे, देख सकते हो आप।
मैं हाउसवाइफ हूँ, साथ में सोशल वर्कर भी हूँ और गृहिणी भी हूँ जो ये सब पका लेती है। मैं बहुत सारे ग्रुप्स में हूँ, एक्टिव हूँ और खाना पकाना मेरा शौक है। इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे। आप सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? प्लीज बताएं मुझे, आवाज आ रही है ना? हेलो, ओके ओके, थैंक यू शीतल जी। अब ये घी में सोते हो गया है, देखिए कैप्सिकम और स्वीट कॉर्न। अब इसमें आधा कप चीनी डाल देंगे, शुगर। और थोड़ा सा पानी। अब इसे हिला के पकने देंगे। एक मिनट के लिए ऐसे ढक के रखेंगे। ये चीनी पिघलने लगी है।
ये जितने समय में रेडी हो जाता है उस समय में मैं आपको बता दूं। मैंने ये रबड़ी सुबह से बना के रखी थी। ये रबड़ी बनाने के लिए मैंने अमूल गोल्ड मिल्क लिया था 1 लीटर। उसको उबाल के 1/2 लीटर कर लिया है, उसमें थोड़ी शक्कर डाली थी और फ्रीज में सेट होने के लिए रख दिया था। ये रबड़ी ऐसे बनाई है। अभी ये ऐसे हो गया है तो गैस बंद कर देते हैं। उसमें जो मैंने रबड़ी बनाई थी ना सुबह से अमूल गोल्ड मिल्क की, वो डाल दूंगी। अब इसको हिलाएंगे। अब धीमी फ्लेम पर थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। वैसे स्वीट कॉर्न और कैप्सिकम तो पक चुके हैं, चीनी भी इसमें मिक्स हो गई है, फिर भी वैसे अमूल में ये मेरा पहला लाइव है। इनफैक्ट मैंने कभी लाइव किया नहीं है, अभी आज पहली बार कर रही हूँ। तो अगर कोई मतलब मुझसे अच्छी तरीके से नहीं मतलब हुआ हो तो सॉरी, नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा ज़्यादा करूँगी। अब सर्विंग बोल लेके उसमें ये निकालूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अपनी स्वीट कॉर्न रबड़ी रेडी है। ये देखिए, अब इसमें गार्निशिंग करने के लिए बादाम पिस्ता डाल सकते हैं और गुलाब की पंखुड़ियों से भी हम इसको सजा सकते हैं। तो सब कुछ इसमें डाल के देखिए। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और थैंक यू सो मच अमूल एंड थैंक यू सो मच सुपरस्टार क्वीन ग्रुप की एडमिन गीता मैम, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि स्वीट कॉर्न कैप्सिकम रबड़ी कितनी मज़ेदार बनी है और अमूल की प्रोडक्ट तो सारी की सारी बहुत ही अच्छी आती है।
थैंक यू सो मच। मैंने स्वीट कॉर्न कैप्सिकम रबड़ी बनाई है। थैंक यू सो मच अगेन कि मेरी रेसिपी आप सब लोगों को पसंद आई होगी। किसी ने पूछा है क्या बना रही हो, तो मैं फिर से बोल दूँ, बता दूँ कि मैंने कैप्सिकम स्वीट कॉर्न रबड़ी बनाई थी। सबसे पहले अमूल घी लेके, सबसे पहले मैंने अमूल घी लिया था पैन में डाल के, फिर घी डाल के, घी जैसे ही गर्म हो चुका था तो उसमें कैप्सिकम डाले, कैप्सिकम सोते कर लिए, फिर बाद में स्वीट कॉर्न को सुबह से ही मैंने बॉईल करके रखा था वो डाला, वो हो गया सोते हो गया, फिर बाद में थोड़ी शक्कर डाली आधा आधा कटोरी जितना, और उनको भी थोड़ा सा पानी डाल के फिर पका लिया सबको, ठीक है। और रबड़ी बनाने के लिए अमूल गोल्ड मिल्क लेके 1.5 लीटर करीबन लिया था, वो आधा लीटर जितना हो चुका, उतनी देर मैंने उबाला था और उसमें शक्कर डाली थी, केसर डाला था और काजू बादाम डाले थे, पिस्ता डाले थे, ठीक है। और दोपहर को ही बना के रबड़ी को मैंने फ्रीज में सेट करने के लिए रख दिया था। अब जैसे ही वो कैप्सिकम और स्वीट कॉर्न सब घुल मिल गए, उसमें रबड़ी डाल दी और हिला के थोड़ी देर रख के फिर सर्व किया गुलाब की पंखड़ियों से और बादाम पिस्ता से, ठीक है। आई होप मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। मेरा ये पहला ही लाइव था तो पता नहीं अभी, और हम लोग क्या है कि गुजराती लोग हैं तो हिंदी में भी थोड़ी दिक्कत होती है, हिंदी बोलने में भी, फिर भी मैंने अपनी तरीके से ट्राई की है। थैंक यू सो मच एवरीवन मेरी रेसिपी को देखने के लिए, और अमूल एंड गीता मैम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।